गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक के पांचवें फेज के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके चलते देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में ज्यादा गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ा लॉकडाउन रहेगा। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस 1 अक्टूबर 2020 से अमल में आ गई है। लोगों को अब धीरे धीरे ये वायरस के साथ रहने की आदत पड़ रही है और वो एहतियात बरतते हुए अच्छे से बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जिसे खुलने का मौका मिल रहा है वो है एंटरटेनमेंट और सिनेमा इंडस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि इससे सभी को बहुत फायदा मिलेगा, लोगों की मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा, उन्हें एक एंटरटेन होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और बिजनेसेस को बहुत फायदा होगा। प्रोजेक्टर लैंप्स के बिजनेस हैं, उससे और जुड़े हुए सारे बिजनेसेस को बहुत फायदा मिलने वाला है। नए दिशा निर्देशों के तहत सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस 50% तक सिटिंग क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल के साथ एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर लागू नहीं करेंगी। राज्य के अंदर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस 15 अक्टूबर 2020 से खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय की मंजूरी के अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव लोगों के जमा होने से जुड़े आयोजनों पर देखने को मिल सकता है। देश में 200 की मौजूदगी वाले सामाजिक, शैक्षणिक, खेल आयोजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और सभाओं को 15 अक्टूबर के बाद से मंजूरी दी जा सकती है। इसके लिए बंद जगह पर हॉल क्षमता के केवल 50% तक को ही अनुमति होगी और अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि इसके लिए राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए बच्चों के अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। स्कूल संस्थानों के प्रबंधन से भी सलाह मशवरा किया जाएगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। अगर कोई छात्र स्कूल आने की बजाय घर से ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। छात्र अपने माता पिता की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल संस्थान आ सकते हैं। जो स्कूल खुलेंगे उनमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs का पालन किया जाएगा। कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने की टाइमिंग को लेकर उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ सलाह मशवरा कर फैसला ले सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल रिसर्च स्कॉलर यानी PhD करने वाले छात्रों और लैब एक्सपेरिमेंट की जरूरत वाली साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा। फिर से शुरू हो रही इन सभी गतिविधियों को लेकर जल्द ही सरकार के अलग अलग विभाग SOPs जारी करेंगे।